हे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस की शुरुआत अगर आप ठंडी के मौसम में करते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस बिजनेस में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, और इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, लगभग एक साल तक प्रोडक्ट खराब नहीं होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है, तो वीडियो को देखते रहिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो की नई सीरीज, हमारे लघु उद्योग। दोस्तों, ये इस सीरीज का चौथा एपिसोड है और आज की वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, वो बिजनेस आइडिया है आंवले का मुरब्बा बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, आप खुद जानते होंगे आंवले का मुरब्बा एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से भी किया जाता है, और साथ ही साथ इसको ऐसे भी खाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी डिमांड इंडिया में तो है ही है, इसके अलावा इंडिया बड़े पैमाने पर बाहर के देशों में भी आंवले का मुरब्बा एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप आंवले के मुरब्बे को बनाने का बिजनेस घर से शुरू कर सकते हो, बनाने के बाद कैसे उसको पैक कर सकते हो, इसके अलावा इस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, होलसेल में क्या भाव में बिकता है, रिटेल में क्या भाव में बिकता है। इसके अलावा दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी 5 कंट्रीज है जिसमें इंडिया बड़े पैमाने पर आंवले का मुरब्बा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अब उस एप्लीकेशन के ऊपर एक नया फीचर आ गया जिसके बारे में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले ग्रो एप्लीकेशन ने अपने स्टॉक्स का फीचर लॉन्च किया था और उस फीचर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 3 लाख से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी कंपनी ने अपने शुरुआत में इतने अकाउंट नहीं खोले हैं। तो क्या कारण है कि ग्रो को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कम से कम 48 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में आप कुछ ही सेकंड में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से लेकर अकाउंट बनाने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे 2 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑल लिस्टेड स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कौन सा स्टॉक टॉप गेनर था, कौन सा टॉप लूजर था, ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक खरीदने और बेचने का डिसीजन लेने में मदद करती है। अब इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंट्राडे। दोस्तों, इस फीचर की मदद से आप सेम डे में शेयर को खरीद कर बेच भी सकते हो। मान लीजिए आपने कुछ शेयर खरीदे और कुछ समय बाद उसका प्राइस बढ़ गया, तो आप तुरंत उसको बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके अलावा ग्रो एप्लीकेशन आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी प्रोवाइड करती है, आपको लगभग 8 गुना का मार्जिन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो ग्रो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं शेयर को बाय कर रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आप भी बाय कर सकते हैं, और जब आपको प्रॉफिट होने लगे तो बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आंवले के मुरब्बे को बनाने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, 1 किलो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और कितनी मात्रा में होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जरूरत होगी 1/2 किलो आंवले की, उसके बाद में आपको जरूरत होगी 600 ग्राम शक्कर की, और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे 3 चीजें दी है, काली मिर्च, इलायची और सौंफ। आपको ये तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है, और आखिर में आपको जरूरत होगी नमक की। उसके बाद में आपको हर एक आंवले के अंदर कांटा चम्मच की मदद से खड्डे कर देने, ताकि हम इनको पकाएं तो ये इजीली पक जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन आंवलों को हमने 1 रात तक भिगो के रखा था ताकि इनका कसेलापन थोड़ा कम हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे आंवलों में हमने छोटे छोटे खड्डे कर लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों, हमने जो फ्लेवर के लिए 3 चीजें ली थी उनको आपको एक साथ में पीसना होगा, इलायची, काली मिर्च और सौंफ को। तीनों चीजों को पीस लेने के बाद में गैस के ऊपर आपको एक बर्तन चढ़ाना है और उसके अंदर आपको पानी डालना होगा। पानी की क्वांटिटी कितनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1/2 किलो आंवला ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी होगी 1 लीटर, अगर आप 1 किलो आंवला ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी होगी 2 लीटर, मतलब आप जितना भी आंवला लेंगे उससे डबल आपको पानी चढ़ाना होगा। उसके बाद में दोस्तों, जब पानी उकलने लग जाए तो आपको आंवलों को इसके अंदर डालना होगा और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको गैस बंद कर देनी है और लगभग 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि ये भाप की मदद से अच्छे से पक जाए। दोस्तों, आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसको गैस पे पकाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो आंवले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके अंदर पानी भर जाएगा, और अगर आंवले के अंदर पानी भर गया तो वो आंवले के मुरब्बे के अंदर पानी छोड़ने लगेगा, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद में गैस को बंद करके 20 मिनट के लिए भाप में छोड़ देना है, जितना चाहिए उसके हिसाब से वो पक के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपको आंवलों को छानकर पानी अलग कर देना है। पानी अलग कर देने के बाद में गैस के ऊपर आपको एक बार फिर से बर्तन रखना होगा, उस बर्तन के अंदर अभी आप चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले डालनी होगी शक्कर, उसके बाद में आपको आंवले डाल देने हैं और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालना होगा।
ताकि चाशनी इजीली बन जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं चाशनी तैयार हो चुकी है। इसके बाद में आपको इसको 20 मिनट के लिए पकाना होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आपको बीच बीच में हिलाते भी रहना होगा। 20 मिनट पकाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। उसके बाद में इसके अंदर आपको वो चीज़ें डालनी है जो हमने फ्लेवर के लिए तैयार की थी। इसके बाद में आपको 5 मिनट के लिए और इसको पकाना होगा। आप देख सकते हैं इसका कलर इस तरीके का हो चुका है और मार्केट में जैसे आंवले के मुरब्बे मिलते हैं सेम टू सेम वैसे मुरब्बे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि बराबर पके हैं कि नहीं पके हैं तो आप एक चम्मच की मदद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके आंवले के मुरब्बे बनके तैयार हो चुके हैं। इसको आपको लगभग 7 दिन के लिए छोड़ देना होगा ताकि आंवले चाशनी को एकदम सोख ले। उसके बाद में आपके आंवले के मुरब्बे फाइनली तैयार हो जाएंगे, जिनको आप पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हो। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे आंवले का मुरब्बा बनाना कितना आसान है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आंवला आपको होलसेल मार्केट में 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक मिल जाता है। अगर आप सीजन में खरीदते हैं, मतलब ठंडी के सीजन में अगर आप खरीदोगे तो 30 से 40 तक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में खरीदोगे तो लगभग आपको 70 रुपए किलो तक मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आंवला कैंडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को बनाते वक्त मैंने एक होलसेलर से बात की थी तो उसने मुझे बताया कि ऑफ सीजन में ये 70 रुपए किलो तक मिलता है और सीजन के टाइम 30 से 40 रुपए में मिल जाता है। अगर आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शक्कर आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगी 30 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो के बीच में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बेचने के लिए आपको इसको अच्छे से पैक करना होगा और पैकिंग करने के लिए आपको जरूरत होगी दो चीजों की। सबसे पहला आपको खरीदना होगा प्लास्टिक का जार, इसके अलावा आपको अपने ब्रांड के नाम से स्टिकर छपाने होंगे। तो प्लास्टिक के जार के अंदर आप आंवले का मुरब्बा डालोगे और ऊपर से स्टिकर चिपका के मार्केट में बेचने के लिए भेज दोगे। दोस्तों आपने देखा होगा प्लास्टिक के जार के ऊपर सिल्वर कलर की फॉइल आती है, अगर आप वो फॉइल भी चिपकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से मशीन खरीदनी पड़ती है जिसका नाम होता है इंडक्शन सीलिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन की मदद से आप प्लास्टिक के जार के ऊपर सिल्वर फॉइल चिपका सकते हो। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे पैकिंग आपको कैसे करना होगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आंवले का मुरब्बा होलसेल में क्या भाव में बिकता है और रिटेल में क्या भाव में बिकता है। होलसेल प्राइस जानने के लिए हमको जाना होगा इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लायर हमको दे रहा है 90 रुपए किलो, उसके बाद में ये सप्लायर लगभग 100 रुपए किलो दे रहा है, ये भी 100 रुपए किलो दे रहा है और ये सप्लायर दे रहा है 96 रुपीज केजी। तो दोस्तों हमको एक ऑन एन एवरेज आइडिया आ जाता है कि 90 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं रिटेल में क्या प्राइस में बिक रहा है। रिटेल की प्राइस जानने के लिए हमको जाना होगा अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लायर दे रहा है 399 रुपए का एक किलो, ये 379 रुपीज का एक किलो, ये सेम ही कंपनी है, ये 379 रुपीज का एक किलो, यहाँ पे भी ये 379 रुपीज का एक किलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी पैकिंग भी बहुत ही सिंपल है, इन्होंने एक प्लास्टिक का जार लिया है उसके ऊपर अपने कंपनी के नाम का स्टिकर चिपका है। चलिए नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 470 रुपए का एक किलो, 539 रुपए का एक किलो, 379 रुपीज का एक किलो, 460 रुपए का एक किलो। तो दोस्तों अमेजोन की वेबसाइट पे तो ये बहुत ही महंगा बिक रहा है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 399 रुपए में बेच रहा है उसको 907 रिव्यू मिले हैं। दोस्तों आप खुद जानते होंगे जितने भी लोग सामान खरीदते हैं सारे के सारे लोग रिव्यू नहीं करते हैं, अगर 907 लोगों ने रिव्यू किया है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने खरीदा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट में जो सबसे सस्ता मिलता है वो मिलता है पतंजलि का 165 रुपए किलो। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे होलसेल में ये बिकता है 90 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में। इसके अलावा रिटेल में आप बेच सकते हो पैकिंग के हिसाब से, आपका पैकिंग जितना अच्छा होगा उतना ये महंगा बिकेगा। रिटेल में सबसे सस्ता मिल रहा है पतंजलि का 165 रुपए का, तो अगर आप 165 रुपए से कम में बेचोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आंवला मुरब्बा बनाने का कॉस्ट कितना होने वाला है, इसके साथ साथ आपको कितना प्रॉफिट भी होने वाला है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक किलो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आपको आधा किलो आंवले की जरूरत होगी। आंवला अगर आप ऑफ सीजन में खरीदोगे तो लगभग आपको 70 रुपए किलो तक मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा अगर आप सीजन में खरीदते हैं तो आपको 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक आसानी से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे प्राइसिंग पकड़ी है 70 रुपए, मतलब अगर आप इस बिजनेस को ऑफ सीजन में भी करते हैं तो आपको कितना कॉस्टिंग आने वाला है वो पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको जरूरत होगी 600 ग्राम शक्कर की। शक्कर मार्केट में मिलती है 35 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो के बीच में, तो 600 ग्राम का हो जाएगा 20 रुपया। इलायची, काली मिर्च और सौंफ का मैं पकड़ लेता हूँ 10 रुपया और गैस का पकड़ लेता हूँ 5 रुपया। तो अगर मैं टोटल करूँ तो होता है 70 रुपया, मतलब 70 रुपये में आपका एक किलो आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये प्राइसिंग है ऑफ सीजन का, अगर आप सीजन में बनाएंगे तो लगभग 15 से 20 रुपया कम पड़ेगा।
दोस्तों आंवले का मुरब्बा बनाने के बाद में आपको उसको पैक करना होगा, और पैकिंग करने के लिए आपको जरूरत होगी प्लास्टिक के जार की और स्टिकर की। प्लास्टिक का जार आपको मार्केट में मिल जाएगा 8 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में, और स्टिकर के लिए आपको खर्च करने होंगे 1 रुपए से लेकर 2 रुपए के बीच में। तो एक जार का पैकिंग कॉस्ट आपका पड़ने वाला है 12 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में। तो दोस्तों 1 किलो आंवले का मुरब्बा विद पैकिंग आपको पड़ेगा 82 रुपए से लेकर 85 रुपए के बीच में ऑफ सीजन में, और सीजन में थोड़ा प्राइस कम होगा। अब दोस्तों आपसे कोई बल्क में खरीदना चाहता है, होलसेल में खरीदना चाहता है, तो आप उसको 90 रुपये किलो तक दे सकते हैं। देखिए 85 रुपीज़ जो हमने कैलकुलेट किया था ये विद पैकिंग किया था लेकिन प्लास्टिक के जार में। तो अगर आपसे कोई बल्क में खरीद रहा है तो उसको प्लास्टिक के जार में पैक करके देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको नॉर्मल प्लास्टिक के पाउच में पैक करके कार्टन्स में डाल के दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटेल काउंटर पे बेचते हैं तो आप 120 रुपये किलो तक बेच सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा 35 रुपये का, और आप MRP रख सकते हैं 160 रुपया, तो जो रिटेलर होगा उसको भी 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना माल ऑनलाइन बेचते हैं जैसे कि Amazon पे या Flipkart पे, तो आपको लगभग 75 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों अगर आप डेली का टारगेट रखते हैं कि रिटेल काउंटर पे आप 30 किलो माल बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 35 रुपये के हिसाब से 1050 रुपया, और अगर आपका ऑनलाइन 10 किलो माल भी बिक जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा 750 रुपया, मतलब एक दिन का आप कमा सकते हैं 1800 रुपये। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है कि 10 किलो माल बिकेगा, कभी हो सकता है आपका कम भी बिके और कभी हो सकता है आपका 20-25 किलो माल भी बिक जाए, बट मैं ऑन एन एवरेज पकड़ रहा हूँ 10 किलो। तो एवरी डे का आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1800 रुपये, और अगर आप महीने में 25 दिन भी काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 45,000 रुपये। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर मैंने लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ा है, ये लघु उद्योग है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आप किसी को एज अ हेल्पर भी रख सकते हैं, जिसको आप 10 से 12,000 रुपये की पगार दे सकते हैं, फिर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा बचने वाला है। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको इस बिजनेस को अपने घर से शुरू करना चाहिए, उसके बाद में अपने आसपास के लोकल एरिया में बेचना चाहिए। अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आप इस बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हैं। और अगर आप आंवले का मुरब्बा बनाकर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं उन 5 कंट्रीज का नाम बता देता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। सबसे पहली कंट्री अमेरिका, दूसरी UK, तीसरी UAE, चौथी कनाडा, और 5वीं ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इन 5 कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।